हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो फाइनली OnePlus Buds 3 मेरे पास आ गए। मैंने काफ़ी तगड़े तरीके से इनको यूज़ किया, मतलब एकदम रगड़ रगड़ के, एंड फाइनली आप तक रिव्यू लेकर आया हूँ। एकदम ऑनेस्ट रिव्यू, एंड तक जरूर देखना, आपके जितने भी सवाल हैं वो मोस्टली आंसर कर दिए जाएंगे इस वीडियो के एंड तक। एंड बेस्ट बैंगलिंग एज यूजुअल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जो कि लाइक बटन और सब्सक्राइब बटन के नीचे, सो यू नो व्हाट टू डू। तो सबसे पहले मैं आपको इनकी प्राइस बता देता हूँ। 5,500 रुपए के करीब मैंने इनको खरीदा है अमेजोन से, एंड इनमें आपको 1 ईयर की वारंटी मिल जाती है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं लुक्स एंड बिल्ड क्वालिटी के बारे में। लुक्स बहुत ही बढ़िया है इस केस का, मतलब ये जो केस है वो मेरे को ऐसा लगता है OnePlus Buds Pro से इंस्पायर्ड है काफी ज्यादा। एंड क्वालिटी अच्छी है, बहुत अच्छी नहीं लगी, बट हिंज की क्वालिटी मुझे बहुत बढ़िया लगी। ओवरऑल मैट फिनिश के साथ आता है, टाइप सी पोर्ट है, LED इंडिकेटर है, एंड पेयरिंग बटन भी दे दिया गया। सो मुझे ओवरऑल ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई इसके केस को लेके, एंड केस का साइज भी काफी छोटा है, काफी स्लीक दिखता है, तो ये चीज भी मुझे बहुत ज्यादा पसंद है केस के बारे में। अब अगर हम ईयरबड्स की बात करें तो ईयरबड्स काफी ज्यादा बढ़िया दिखते हैं, स्पेशली उसका जो ग्लॉस है वो इसमें 4 चांद ऐड कर देता है। इसमें IP55 की रेटिंग मिल जाती है, मतलब डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंट दोनों हैं, प्लस डुअल ड्राइवर्स है, मतलब एक ड्राइवर 10.4 mm का है जो मोस्टली ट्रेवल के लिए स्पेसिफिकली बनाया गया है, एंड दूसरा जो ड्राइवर है वो 6 mm का है जो बेस के लिए बनाया गया है। और बेस और ट्रेवल ये सब कैसा है ये हम ऑडियो वाले सेक्शन में जाएंगे। अब अगर टच जेस्चर्स की बात करूँ तो बहुत ही स्मूथ है, बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट है, काफ़ी इंट्यूटिव है, एंड इन सारे जेस्चर्स को आप ट्वीक कर सकते हो हे मेलेडी ऐप में। बाकी इन ईयर डिटेक्शन भी है जो बहुत ज़्यादा सीमलेसली काम करता है। अब अगर मैं बात करूँ फिट एंड कम्फर्ट की, तो कम्फर्टेबल बहुत हैं ये, लेकिन फिट मुझे लगता है थोड़े और बेटर हो सकते थे, लेकिन दिस इज ओनली फॉर माई ईयर्स, मतलब बहुत ही ज़्यादा सब्जेक्टिव होता है फिट एंड कम्फर्ट, तो ऐसा हो सकता है आपको बहुत अच्छे तरीके से फिट हो, शायद अच्छे से फिट ना हो। तो आई वुड सजेस्ट OnePlus के स्टोर में जाके आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं इनको, अगर आपको लगता है फिट बढ़िया है तो ले लेना। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, अब हम बात करने वाले हैं ब्लूटूथ के बारे में। सो ब्लूटूथ 5.3 मिल जाती है इसमें, एंड LHBC कोडेक मिल जाता है, जो मेरे फोन में तो नहीं है भाई, अगर आपके फोन में देन वेल एंड गुड, मैं इनको AAC कोडेक में यूज कर रहा हूँ। ओवरऑल जो रेंज थी बहुत ही बढ़िया लगी, एंड कोई भी स्टटर या लैग महसूस नहीं हुआ कनेक्शन। डुअल पेयरिंग इसमें मिल जाती है, लेकिन मेरे को थोड़ा कंफ्यूजिंग लगा डुअल पेयरिंग, मतलब ये कब दूसरे डिवाइस में पहले डिवाइस से स्विच कर जाते हैं पता ही नहीं चलता, कोई इंडिकेशन ही नहीं, मतलब आप फोन में गाने सुन रहे हो एंड सपोज आपके लैपटॉप से भी ये कनेक्टेड है, लैपटॉप पे कॉल आ जाता है तो ये लैपटॉप पे कनेक्ट हो जाएंगे, एंड जो आपका फोन है उसमें म्यूजिक प्ले होता रहेगा, बस आवाज नहीं आएगी कोई। तो यार थोड़ा इंट्यूटिव और थोड़ा जो एक्सपीरियंस है यूजर का वो बेटर बनाया जा सकता था अगर ऑटोमेटिक प्ले एंड पॉज भी रहता, वो काफी बढ़िया रहता। और हाँ, मोनो मोड में भी इन टीटर्स का यूज कर सकते हो। सो अब बात करते हैं ऑडियो क्वालिटी के बारे में। देखो भाई, ऑडियो बहुत बढ़िया लगी, स्पेसिफिकली इसका जो बेस है वो कमाल का है, मतलब ये बेस हैवी डिजाइन किए भी गए, मतलब इनका जो ड्राइवर है वो इसी तरीके से ट्यून किया गया है कि जो बेस है वो ज्यादा तगड़ा हो, एंड इसमें ऐसा हैवी प्लस बेस की जो वेव है उसको आप ऊपर नीचे कर सकते हो, तो डेफिनेटली बेस हल्का सा बढ़ता है, बहुत ही एकदम माइन्यूट डिफरेंस आपको सुनाई देगा, इतना ज़्यादा सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है। अलग अलग इसमें मोड्स हैं, सेरेनेड मोड, स्टैंडर्ड मोड, बेस मोड, तो ये सारे मोड्स आप चेक कर सकते हो, मैं इसको सेरेनेड या स्टैंडर्ड में ही रखता हूँ। ओके, अगर ट्रेवल की बात करूँ तो ट्रेवल अच्छा है बट बेस्ट तो नहीं है, एंड मैं ये बोलूँगा ओप्पो एनको A3 प्रो जो आ रहे हैं उनमें बेटर ट्रेवल मिल जाता है, बेस इनमें बेटर है। एंड मिड्स की अगर बात करूँ, जिन्हें हम वोकल्स भी बोलते हैं, वोकल्स काफ़ी अच्छे लगे मेरे को, कोई दिक्कत नहीं। ओवरऑल म्यूजिक एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा मेरा, मेरे को ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई इनमें म्यूजिक को लेकर, मेरा एक्सपीरियंस बढ़िया था, एंड मैं बोलूँगा काफ़ी एन्जॉयबल म्यूजिक आपको प्रोड्यूस करके देते हैं। एंड हाँ, म्यूजिक की क्वालिटी को आप थोड़ा बहुत कस्टमाइज भी कर सकते हो, सो उस चीज़ की भी सुख सुविधा दे दी गई है, सो ये एक अच्छी बात है। और हाँ, इसका जो ऐप है उसमें छोटे मोटे कुछ और भी गेमिंग की फीचर्स हैं, तो वो आप चेक कर सकते हो, जैसे सराउंड साउंड के लिए कुछ दिया गया है, गोल्डन ईयर टेस्ट करवा सकते हो आप, और प्लस फिट चेक करने वाला टेस्ट भी करवा सकते हो, ऐसे छोटे मोटे फीचर्स दिए गए हैं, आप चेक कर लें। ANC की बात करूँ तो 49 dB तक का ये जो नॉइस है वो कैंसिल आउट कर देते हैं, एंड ANC मेरे को काफ़ी बढ़िया लगी, मतलब बढ़िया थी एकदम, प्रोबेबली वन ऑफ द बेस्ट ANC है इस प्राइस ब्रैकेट में। जो चीज़ मुझे बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, दैट इज़ इट्स ट्रांसपेरेंसी मोड। मोस्ट ऑफ द TWS इस प्राइस ब्रैकेट में ट्रांसपेरेंसी मोड के साथ आते हैं, एंड उनमें थोड़ी अग्रेसिव ट्रांसपेरेंसी मोड होती है, इनमें ऐसा नहीं है, काफ़ी ज़्यादा नेचुरल साउंडिंग ट्रांसपेरेंसी मोड है, एंड ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई, प्लस क्वालिटी भी ट्रांसपेरेंसी मोड का काफ़ी बढ़िया था, तो ट्रांसपेरेंसी मोड के मामले में ये प्रोबेबली बेस्ट लगे इस प्राइस ब्रैकेट में मुझे। तो दोस्तों, अभी लेटेंसी के बारे में बात करते हैं। लेटेंसी इनमें 94 मिलीसेकंड की मिल जाती है, एंड मैं ये बोलूँगा बहुत अच्छी नहीं है, एंड आज के स्टैंडर्ड के हिसाब से मुझे थोड़ी बहुत लेटेंसी तो डेफिनेटली महसूस हुई वाइल गेम, बट
आपको ऐसी कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली। हाँ, अगर आप कॉम्पिटेटिव गेमिंग करते हो तो इनको यूज़ मत ही करना, TWS यूज़ मत करना, वायर्ड वाली ईयरफोन्स को। बट जो बाकी के TWS आते हैं उनसे मैं बोलूँगा कंपैरिजन में थोड़ी पुअर परफॉर्मेंस है जस्ट वाइल गेमिंग, वरना मीडिया कंज्यूम करते टाइम आपको कोई भी लेटेंसी नज़र नहीं आएगी या महसूस नहीं। और हाँ, अगर आप OnePlus डिवाइस यूज़ करते हो तो आपको शायद लेटेंसी थोड़ी और कम मिलेगी। दोस्तों, अब बात करते हैं कॉलिंग के बारे में। कॉलिंग इनमें काफ़ी बढ़िया है, मतलब OnePlus के मोस्टली जितने भी ईयरबड्स आते हैं, भले वो वायरलेस ईयरफोन्स हों या फिर TWS हों या फिर वायर्ड वाले हों, सब में कॉलिंग हमेशा से अच्छी रही है। एंड दीज आर नो डिफरेंट, इनमें भी कॉलिंग काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगी, बोथ इनडोर्स एंड आउटडोर्स। मैं बोलूँगा वन ऑफ द बेस्ट कॉलिंग ये प्रोवाइड करते हैं इस प्राइस ब्रैकेट में। और ये रही मेरी ऑडियो कॉल रिकॉर्डिंग, आप सुन लो, आपको एक बेटर आइडिया लग जाएगा। हेलो, हाँ, तो अभी जो TWS मैं यूज़ कर रहा हूँ, दीज आर OnePlus Buds 3, अभी कुछ दिनों पहले ये लॉन्च हुए हैं। एंड अभी मैं इंडोर कंडीशन में हूँ, बैकग्राउंड में कोई भी शोर शराबा कुछ नहीं है, कोई भी शोर नहीं है अभी। तो तुझको अभी मेरी आवाज़ कितने अच्छे से सुनाई दे रही है? बढ़िया, क्लियर है। क्लियर, ओके। फैन ऑन करता हूँ एकदम। हेलो, हाँ, तो मैंने फैन ऑन कर दिया है, बैकग्राउंड में कोई शोर शराबा नहीं है, सेम ही कंडीशन में हूँ, लेकिन फैन फुल स्पीड पे चल रहा है अभी और मैं पंखे के एकदम नीचे खड़ा हूँ। तो तुझको अभी मेरी आवाज कितने अच्छे से सुनाई दे रही है? स्लाइटली वर्स हुई है, बट ज्यादा डिफरेंस नहीं। ट्रैफिक की नॉइज ऐड कर रहा हूँ। हेलो, तो अभी मैंने बैकग्राउंड में ना ट्रैफिक की नॉइज ऐड कर दिया है, और अभी मतलब तेरको मेरी आवाज़ कितने अच्छे से सुनाई दे रही है? क्या मतलब मेरी आवाज़ है वो नीचे हो गई है ट्रैफिक की नॉइज़ के सामने, या मेरी आवाज़ अभी भी ऊपर है? ट्रैफिक की आवाज़ भी आ रही है, बट तेरी आवाज़ मोस्टली ऊपर ही है, तो इट्स फाइन। तो दोस्तों, बैटरी बैकअप के बारे में बात करते हैं, एंड मैं अपने स्टैट्स दूं इससे पहले, ये स्क्रीनशॉट लिया है मैंने OnePlus की ऑफिशियल वेबसाइट से, आप चेक कर लो। इसमें मोस्टली जितने भी सिनेरियोज हैं उनको कवर करके बता दिया गया है कौन से सिनेरियो में आपको कितनी बैटरी बैकअप मिल जाएगी। मैं अगर अपनी बात करूँ तो ANC के साथ, मतलब ANC ऑन करके 50-60% वॉल्यूम पे मुझे ऑलमोस्ट 6 hours तक की बैटरी बैकअप मिल गई। ANC ऑफ करके सेम लेवल ऑफ वॉल्यूम पे 8-9 hours की बैटरी बैकअप मिल गई, एंड सिर्फ कॉलिंग करते हुए मुझे 4-5 घंटे तक की बैटरी बैकअप मिल गई। बाकी फास्ट चार्जिंग है, TWS 45 मिनट्स के अंदर चार्ज हो जाते हैं, लेकिन जो केस है उसको कम्प्लीटली चार्ज होने में 1.5 आवर्स के करीब लग जाता है। और 10 मिनट जब मैंने इनको चार्ज किया, जब ये कम्प्लीटली डेड हो चुके थे, फ्लैट हो चुके थे, 0% पे थे, तो 10 मिनट में इन्होंने 30% TWS को चार्ज कर दिया। एंड ये जो केस है वो इन TWS को 4 बार चार्ज कर देता है, उसके बाद आपको केस को चार्ज करना पड़ेगा। अब दोस्तों, फाइनल सवाल ये आता है कि क्या आपको इन TWS में इन्वेस्ट करना चाहिए? देखो, मैं बोलूँगा ये सिर्फ ट्रेवल के मामले में मुझे थोड़े वीक लगे, बाकी के जितने TWS आते हैं इस प्राइस ब्रैकेट में, बाकी हर मामले में या तो उनके बराबर हैं या तो उनसे बेहतर हैं। सो मैं बोलूँगा डेफिनेटली आप अपने पैसे इनमें लगा सकते हो, एंड बेस्ट बैंक एज यूजुअल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चेकआउट कर लेना। फर्दर अगर आपका कोई भी सवाल या सुझाव है, किसी और TWS के साथ आप कंपैरिजन देखना चाहते हो, तो कमेंट करके जरूर बताना, एंड सब्सक्राइब लाइक प्लीज जरूर करते हुए जाना, एंड मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। एंटिल देन, ओवर एंड आउट। अब हम अगर अब